तो बिहार में कोरोना बेलगाम हो गया है, कोरोना का संक्रमण देश में तो बढ़ ही रहा है, बिहार में इसकी रफ्तार कई गुना ज़्यादा हो गई है। बिहार में पहले जहां हर रोज 100-200 मामले आते थे, पिछले 15 दिन से 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और पिछले 4-5 दिन की बात करें तो हर रोज 1500-1600-1700 नए केसेज सामने आ रहे हैं। ये चुनौती बहुत बड़ी है, बिहार को बचाना बहुत मुश्किल होगा अगर आप अभी भी नहीं चेते तो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम आज पटना पहुंच रही है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आ रही ये टीम राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेगी, उनके साथ बैठक करेगी। बैठक के बाद यह टीम गया के लिए प्रस्थान करेगी। गया स्थित कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल के साथ दूसरे अस्पतालों में जाकर कोरोना जाँच और इलाज को लेकर किए गए उपाय की तहकीकात करेगी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य टीम बिहार पहुंच गई है, पहले से ही एक टीम पहुंची हुई है, दूसरी टीम है जो बिहार पहुंच रही है। मतलब समझ लीजिए कि बिहार में कितनी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, और विपक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि भारत सरकार की टीम का आना मतलब बिहार सरकार का फेल हो जाना, यानी बिहार सरकार कोरोना के संक्रमण में, उसके इलाज में, जांच में फेल हो गई है और भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अब भारत सरकार की टीम उतर गई है। चिराग पासवान के सुर में सुर मिलाते हुए, तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को केंद्रीय टीम बिहार भेजने के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के लिए बिहार सरकार को दोषी ठहरा दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनौती बढ़ी हुई है। अगर ये केंद्रीय टीम बिहार सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा देती है तो मुश्किल और बढ़ जाएगी, विपक्ष और हमला तेज कर देगा। तो देखना ये है कि जो केंद्रीय टीम आई है उसकी फाइंडिंग क्या कहती है, उसके बयान पर आगे की राजनीति निर्भर करेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण पर केंद्रित हो गया है। हर पार्टी कोरोना के संक्रमण, उसके इलाज में बरती जा रही कोताही, जांच की धीमी रफ्तार को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटा है। ऐसे में अगर कोई प्रतिकूल टिप्पणी आ गई केंद्रीय टीम की तो नीतीश सरकार की मुश्किल बढ़ जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मायने रखती है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी एट पारस वर्क फॉर कॉज, नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।